Friends, I am back with another video of exercise 2.5. Today I am going to solve question number 3 and 4. In previous video, I have solved question number 1 and 2. Friends, आपने अगर मेरी previous video नहीं देखी है, तो description box में मैंने link दे दिया है, आप वहां पर जाके उसको check कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की video question number 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो आपके सामने पहला पार्ट है 9x² + 6xy + y². अब यहां पर हमें कोई एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगानी है और इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि गिवन आइडेंटिटीज में से कौन सी एप्लीकेबल है इस पार्ट में। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप मेरे से पूछोगे, सर आपने यही आइडेंटिटी क्यों चुनी? तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपको यही आइडेंटिटी लगानी है। यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म को, तो ये बिल्कुल ए स्क्वायर के जैसी है। अभी तो ये ए स्क्वायर के जैसी है, पर हमें इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तभी जाकर ये आइडेंटिटी लगेगी। प्लस 2ab तो वैसा ही कुछ यहां पर भी है, प्लस बी स्क्वायर वैसा ही यहां पर भी है, प्लस प्लस दोनों तरफ प्लस के साइन है, इसलिए यही आइडेंटिटी यहां पर लगने जा रही है। ए होल स्क्वायर, हमें इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 3x होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस लास्ट वाली टर्म को देखिए y होल स्क्वायर। ये तो आसान है, इसको कन्वर्ट करना बिल्कुल इजी, y ब्रैकेट स्क्वायर 2ab, 2 आइडेंटिटी से मिल जाएगा। ए हमारे पास यहां है 3x और y ये रहा y। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वापस वही हमारे पास टर्म आती है या नहीं। 2 × 3 = 6xy, 6xy, यानी कि हमने कोई भी चीज चेंज नहीं की है। अब जैसा हमारे पास आइडेंटिटी में था वैसा ही हमारे पास इस स्टेप में है। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर है ए क्या है, यहां पर 3x, बी क्या है y, तो ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। मूव टूवर्ड सेकेंड पार्ट, फिर से हम कोई एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगाएंगे By using identity, तो इस नेगेटिव साइन ने प्रीवियस आइडेंटिटी को चेंज कर दिया, बाकी तो सब कुछ वैसा ही है, बस एक नेगेटिव साइन ने इस आइडेंटिटी को चेंज कर दिया। किस आइडेंटिटी में? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया वैसे ही हम इसको इसके जैसा बनाएंगे, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे कि यहां पर है। तो a होल स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो इसको पहले बनाएंगे होल स्क्वायर में 2y होल स्क्वायर माइनस, इस स्टेप को यहां पर ही रखेंगे अभी, तो लास्ट टर्म को देखिए 1 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 होल स्क्वायर, 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। माइनस आइडेंटिटी से लिया, ए हमारे पास 2y है और बी हमारे पास है 1, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या कोई चेंज हुआ है। माइनस 2 × 2y × 1 वी गेट −4y, तो कोई भी चीज चेंज नहीं है और ये जो स्टेप है बिल्कुल हमारे आइडेंटिटी के जैसा है, तो यानी कि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ए माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी होल स्क्वेयर 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। अब आपने जितने भी पार्ट हैं वैसे ही जैसे अभी हमने किए हैं वैसे ही आपको सॉल्व करने हैं,
Now move toward question number 4. Expand the given polynomial with the help of appropriate identity. हमारे पास पहला पार्ट है x प्लस 2y प्लस 3z होल स्क्वायर। अब इस पार्ट को क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट को हमें एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? गिवन लिस्ट जो है हमारे पास आइडेंटिटीज की, उसमें से कौन सी लगने जा रही है वो यहां पर देखिए। बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये जो आपके सामने आइडेंटिटी है वही यहां पर लगाएंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। हमारे पास ये a यहां पर कौन है? x है। b कौन है यहां पर? 2y है। और c कौन है? 3z है। तो बिल्कुल सिंपल वे में हमने पहले ही इनको डिनोट कर दिया कि a कौन है, b कौन है और c कौन है, ताकि हमारे पास गलती की गुंजाइश ना रहे। अब इसको एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर 2y स्क्वायर 3z स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2ab 2x 2y प्लस 2bc 2y 3z प्लस 2ca 3z एंड x। नेक्स्ट स्टेप, x होल स्क्वायर x स्क्वायर 2y होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, यानी कि 4y स्क्वायर 3z होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो 9z स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 x मल्टीप्लाई y x y प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 3 12 y मल्टीप्लाई z y z प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 z मल्टीप्लाई x z x। सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। तो बच्चों आपने ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट जितने भी हैं वो सॉल्व करने हैं। अगर किसी को कहीं पर परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखिए, हम जरूर आपकी जो परेशानी है उसको दूर करेंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।